हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आई शेडो की थ्योरी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इमेजेस के थ्रू समझाया है, लेकिन मुझे कई कमेंट्स आए कि आप हमें थ्योरी दीजिए इसकी। और ये जो है, इसमें मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, जिसमें आपको सिंपली दो से तीन चीजें याद रखनी है। आपको इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको एक इमेज दूंगी, जिसमें देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपको कहां पर कौन सा शेड अप्लाई करना है। एक ही इमेज में आप सब कुछ समझ जाएंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि वो इमेज में जब भी दिखाऊं आप लोग क्लियर उसे देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई शेडो थ्योरी। इस थ्योरी में हम जानेंगे कि आई के किस पार्ट में कौन सा शेड अप्लाई किया जाता है। ओके, क्रीज लाइन। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे क्रीज लाइन की। क्रीज लाइन पर हम ट्रांजेक्शन शेड अप्लाई करते हैं। देखिए, ये सिंपल उन लोगों के लिए जो ज्यादा याद नहीं कर सकते। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रोफेशनल तरीके से क्रीज लाइन पर हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाईलाइटिंग आईब्रो के पॉइंट की जगह की जाती है, और जो लोग पॉइंट से ब्रो बोन भी कह सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। आई लिट, ग्लिटरी शेड, शिमरी शेड, स्पार्कल शेड आपको हमेशा मिडिल आईलिट पर लगाना है, ठीक है। मिडिल की बात कर रही हूं मैं, ओके, मिडिल आईलिट, इनर लिट, ठीक है। मिडिल आईलिट अलग है, इनर लिट अलग है, ठीक है। इनर लिट पर आपको हमेशा लाइट शेड अप्लाई करना है, ठीक है। मिड में आपको क्या करना है, मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उसके बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे। और इसके पहले के वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ताकि आप लोग समझ जाए कि किस जगह को क्या कहते हैं आई के पार्ट्स को। तो आप उन वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए। इनर लिट पर आपको हमेशा लाइट शेड अप्लाई करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है गाइस। चलिए अब चलिए पेज टर्न कर लेते हैं। इनर वी पर हमेशा आपको हाईलाइटिंग करना है, ठीक है। इनर वी पर हमेशा हाईलाइटिंग की जाती है गाइस। आउटर वी पर हमेशा आपको डार्कर शेड अप्लाई करना है, ठीक है। आउटर वी पर हमेशा आप डार्कर शेड अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप दो डार्कर शेड को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जब हम मिक्स करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा कलर निकल कर आता है। इससे आप एक डार्कर शेड ना ले, दो डार्कर शेड लीजिए और उन्हें मिक्स कर जब आप अप्लाई करेंगे, तो एक बहुत अच्छा कलर निकल कर आएगा। ओके गाइस, अब हम जानेंगे आउटर वी के बारे में। आउटर वी पर आपको डार्कर शेड अप्लाई करना है, सॉरी ये हो गया है, ठीक है। और आप इसके लिए मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वॉटर लाइन, ठीक है। सेवन नंबर का पॉइंट है हमारा वॉटर लाइन। वॉटर लाइन पर आपको अप्लाई करना है काजल, ठीक है। आप कलरफुल काजल भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थे लोअर लेश लाइन। आप जो भी आई शेडो लगाते हैं, ठीक है, ये जो शेड्स है सारे आपके, जो आपने आई शेडो में पिक किए हैं, उनको ब्रश में लेकर आपको आपकी लोअर लेश लाइन पर लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल आंखें जो होती है हमारी बड़ी बड़ी सी लगती है, और काफी अच्छा आई शेडो का लुक आता है। आप लोअर लेश लाइन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आपको ये सारे शेड ना, जो जो आपने आई शेडो में यूज किए हैं, आपने ये कलर्स को सभी को पिक कर लेना है एक ब्रश में, और सभी कलर्स को आपको आपके लोअर लेश लाइन पर अप्लाई कर देना है, यानी कि आंखों के नीचे। ओके, चलिए अब मैं आपको एक इमेज के थ्रू भी बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है थ्री हाईलाइट शेड आपको ब्रो बोन पर, यानी कि मिक्स कर तीनों हाईलाइट शेड को अप्लाई करना है। और इनर लिट पर आपको एक मीडियम शेड रखना है, स्पार्कल रखना है आपको सेंटर में, जो मैं कह रही हूँ ग्लिटर शेड, और दो डार्कर शेड आपको आउटर वी पर रखना है। तो इस तरीके से इस इमेज को आप माइंड में रखकर सब कुछ कर सकते हैं आई शेडो का। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हुई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।